गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं पार्क में आई हूँ। सुबह सुबह पार्क आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश एयर मिलता है और ऊपर से आपका हेल्थ भी बेटर होता है। सो अभी वॉकिंग कर रहे हैं हम लोग। अनिर्बान थोड़ा सा दूर निकल गए क्योंकि मैं उसके जैसा उतना जल्दी नहीं चल सकती हूँ, मुझे पैर में बहुत दर्द होता है घर जाके। सो मैं मीट कर लूँगी उससे, ब्रेकफास्ट भी बना के लेके आई हूँ। अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, काट भी डाली। रिंगटोन को चेंज कर ले। ये कॉलर ट्यून को चेंज कर ले। কলার টিউন কবে চেঞ্জ করলে? আমি তো আজকে প্রথম শুনলাম, আমি তো কখনো ফোনই করি না। যাই হোক, আমি গাড়ির সামনে আছি। হ্যাঁ, लेके आई हूँ जो आपको शायद नहीं दिखाई देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इस साइड से सनलाइट आ रहा है और सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा है, पर ऐसा ठीक है। एंड आई थिंक अनिर्बान को भी ज़्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा बीटरूट दिया है। बीटरूट बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो ऐसे खाते हैं। हाँ, एक भी दिया है खुश करने के लिए। अंडा का कलर ऐसा होगा, वो अंडा भी नहीं सोचा था कभी। जो चीज़ पसंद नहीं है और जो चीज़ पसंद है उसको कॉम्बाइन करके दो, फिर खाना ही पड़ेगा। इसको बीटरूट बिल्कुल पसंद नहीं है, इस तरह से दे दिया कि खाना ही पड़ेगा। भालो ही लग चुके थे। सो हम लोग घर आ गए हैं। मैंने एक ड्रिंक मैं बना के रख के गई थी, ये बहुत अच्छा होता है समर के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। यहाँ पे मैंने एक जग पानी लिया था जिसके अंदर मैंने हाफ कटोरी जैगरी, नॉर्मल सा जैगरी, और 2 टीस्पून मोरी यानी सौफ रख के चली गई थी। तो ये देखो घुल गया है जैगरी और सौफ जो है ना वो ऊपर आके ऐसे सेट हो गया है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालूँगी, पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट, और मैं यहाँ पे डाल दूंगी एक लेमन। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, नॉर्मल पानी थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। वैसे भी ये पानी ना काफ़ी ठंडा होता है, आप नॉर्मल घर पे ही रख दो पर ठंडा हो जाता है। तो ये अभी छान के हम पी जाएंगे। सुबह को ना अनिर्बान को बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि उसको मतलब बीटरूट का चाउमीन मिला जो उतना टेस्टी तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, पर मैं देती हूँ ताकि ये खा ले क्योंकि कल का सब्जी अच्छा था, कल रात का। तो ठीक है, उसी लिए उसका भरपाई करने के लिए मैं आज एक स्पेशल सा लंच बनाऊंगी। बहुत दिन बाद मैं आपके साथ शायद कोई ऐसा रेसिपी शेयर कर रही हूँ, देखना वो खा के देखना। स्पेशल चिकन राइस है, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी फटाफट से, ठीक है।
यहाँ पे मैंने 4-5 पीसेस चिकन लिया है और इसके अंदर मैं कुछ ड्राई मसाला दे रही हूँ। ये चिकन मसाला है, ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो। नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और मैं डालूँगी छोटा एक कटोरी का, हाफ कटोरी दही। और सारे चीज़ों को अच्छे से हाथों से ही मैं मिला लूँगी। चिकन का थोड़ा सा मैं बड़े पीसेस लिया है मैंने, आप छोटा भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। बोनलेस भी चलेगा, नॉर्मल भी चलेगा। अनियंस चॉप कर लिया है, यहाँ पे पुदीना है चॉप कर लिया है, धनिया पत्ता चॉप कर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती राइस, उसको भी वॉश करके पानी में भिगो के रखी हूँ। कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पानी नहीं सही ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है। इसके अंदर मैं एक एक करके चिकन जो है ना वो डाल रही हूँ। नेक्स्ट इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी 1 स्टार एनीस और थोड़ा सा ब्लैक पेपर का, होल ब्लैक पेपर। स्टार एनीस जो ये वाला होता है ना वही डाला, बस मैंने तोड़ के डाला है। और मैं डाल दूंगी 2 बे लीफ्स। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा अनियन। अनियन अच्छे से फ्राई होने पे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। जीरा पाउडर मत डालना। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, 1/2 टीस्पून करके, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और इसको डाल दूंगी। नेक्स्ट मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी और बस 2 मिनट कुक करूंगी ताकि चिकन के अंदर थोड़ा सा मसाला चला जाए। बहुत ही यम्मी लग रहा है ना। सो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल दूंगी करीब 50 से 100 ml का कोकोनट मिल्क। ये इसका मेन टेस्ट है, पर इन केस इफ यू डोंट वांट आप स्किप कर सकते हो, आप नॉर्मल दूध भी डाल सकते हो। वाओ देखो कितना रिच कलर आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था, तो इसके लिए मैं चिकन में 2 कप पानी डालूंगी, जस्ट दुगनी अमाउंट में। अगर आप कोकोनट मिल्क या तो कोई भी मिल्क नहीं ऐड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दुगनी अमाउंट में ही पानी ऐड कीजिए। और नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालूंगी 1 फुल ऑफ मुट्ठी धनिया पत्ता, 1 फुल ऑफ मुट्ठी मिंट यानी पुदीना, और मैं 3 ऐसे स्प्लिटेड हरी मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा मिला दूंगी मैं। कितना अच्छा लग रहा है ना कलर। सो नाउ मैं ऐड कर दूंगी बासमती राइस, जिसको मैंने पानी में वॉश करके भिगो के रखा था। और मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी नमक। बस अभी सब चीज़ों को मुझे मिलानी है और ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम में 15 मिनट इनफ रहता है, 15 से 20 मिनट में ये कुक हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में आप बना रहे हो। इसको ढक्कन लगा देती हूँ। देखो पानी सूख गया है, तो पानी सूखने के बाद आप फ्लेम को ऑफ करके एक बार ना नीचे से इसको उलट पुलट कर दीजिए। इससे क्या होगा, नीचे का राइस ज़्यादा बॉयल नहीं होगा और जो राइस है वो इवनली कुक होगा, नहीं तो नीचे का राइस ओवर कुक होके गल जाता है, वो टेस्टी नहीं लगता है। फिर से इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और नहा के आ जाइए। और 10 मिनट में मैं नहा के आती हूँ और अनिर्बान का नहाना जल्दी जल्दी हो गया है, खुशबू आने लगा, तो जल्दी नहा के आ गया। अरे अच्छी दादा होटल स्टीव ये थे अच्छे होटल स्टैंडिंग थे अच्छे। Oh,
अच्छा है कि ये अच्छा है? दोनों ही अच्छा है। मतलब और एक दिन बिरयानी नहीं चाहिए? हाँ हाँ, ये भी अच्छा है। अच्छा, तो यही बनाऊंगी या बिरयानी बनाऊंगी। मेरा नाम शुभेंदु रॉय है, उम्र 42 साल, बाल तो मेरे 19 साल की उम्र में उठ, शायद यही वजह होगी कि कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वैसे तो बड़ी बड़ी हेंगड़ी मारते हैं कि मैं सिर्फ सच्चाई बयान करने के लिए लिखता हूँ, आप जब अपनी बायोग्राफी लिखने की बारी आई तो सच्चाई गोल कर गए। देखो तो रिफ्लेक्शन झूठी होती है, बिल्कुल वो इसलिए झूठी होती है क्योंकि क्योंकि तुम झूठे हो। ताकि हिंसा को किसी भी हालत में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सर जी कितना अच्छा लगे तुम शॉट? ये दो बार मैंने आज बनाया, ये देखो मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ। ये बर्थडे के लिए स्पेशल है जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा रहेगा, और इसमें ना आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेगा। ये डार्क चॉकलेट में आपको मिल सकता है, वाइट चॉकलेट में मिल सकता है, मिल्क चॉकलेट में मिल सकता है। ये देखो ये मैंगो बार है, इसमें बहुत सारा अंदर भी मैंगो है और बाहर भी, आई डोंट नो कितना आ रहा है कैमरा पे, तो बाहर भी मैंने मैंगो डाला है। बहुत अच्छे से बनाया है और काफ़ी बड़ा साइज़ का ये बार है। इसमें स्ट्रॉबेरी भी आएगा, पान मसाला आएगा, बार की फ्लेवर में बोल रही हूँ, और बटर स्कॉच बार भी आएगा। तो इसका प्राइस 200 है और आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर व्हाट्सअप करने के लिए मिल जाएगा और पेज का लिंक भी मिल जाएगा। और ये देखो मैंने ये फेरेरो रॉशेल्स बनाया है। सो आपने फेरेरो रॉशेल्स जो ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है वो है ये वाला फेरेरो रॉशेल्स, ये है। ये मैंने ऑलरेडी पैक करके रखा है, बस 3 आपको दिखाने के लिए रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जो है ना, मैं आपको पहले चॉकलेट के बारे में समझाती हूँ। ये वाइट चॉकलेट है जो देख के आपको पता चल रहा है, ये डार्क चॉकलेट है क्योंकि ये कलर में डार्क है, और ये देखो बीच में इसे कलर है, ये है मिल्क चॉकलेट। इसके अंदर डार्क चॉकलेट से मिल्क चॉकलेट बनाया जाता है, तो जनरली मार्केट में ना ये मिल्क चॉकलेट का फेरेरो रॉशेल्स जो है ना वो अवेलेबल रहता है। मेरे पास 3 वेराइटी में आपको मिलेगा, ये डार्क चॉकलेट फेरेरो रॉशेल्स है, ये वाइट चॉकलेट फेरेरो रॉशेल्स है। आपको जो चाहिए आप वही ले सकते हैं, या तो आप तीनों मिला के भी ले सकते हैं। ये बहुत यूनिक है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आप दोनों के बात करें, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, तो किसी को डार्क चॉकलेट पसंद है, किसी को मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट मतलब जो डेयरी मिल्क का रहता है ना, वो मिल्क चॉकलेट रहता है। डार्क चॉकलेट तो सबको पता है, थोड़ा सा कड़वा काइंड ऑफ होता है, पर मुझे डार्क चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद है। और ये वाइट चॉकलेट फेरेरो रॉशेल बहुत अच्छा बनता है, कभी एक बार ट्राई करो। और इस तरह से पैकिंग होके आएगा और काफ़ी बड़ा साइज़ का है ये, ईच 40 रुपीज़ का है। आप जितना चाहे ऑर्डर कर सकते हैं, मिनिमम 200 के ऊपर ही ऑर्डर करना। तो आज के लिए देखो 5 ऑलरेडी बन के रेडी हो गया है, एक्चुअली 8 ऑर्डर था आज का, तो और 3 का एड्रेस भेजने में टाइम लग गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का है, 2000-2500 का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे पैक करूँ, इतना बड़ा साइज़ का हो गया है। ये सब ये 3 छोटा छोटा है। सो अभी आते हैं हमारा एक गिवअवे, आप बोल सकते हो, गिफ्ट बोल सकते हो, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ बोला था। सो आपको क्या करना है, गिफ्ट या तो एक सरप्राइज़ गिफ्ट आप बोल सकते हो, सरप्राइज़ एक गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए आपको मेरा जो ये एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट हैम्पर हम लोग प्लान कर रहे हैं भेजने के लिए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हमारा कैंडी बर्ड का जो फेसबुक और इंस्टा पेज है, कैंडी बर्ड चॉकलेट नाम करके है, आप सर्च भी कर सकते हो, या तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहेगा, आप डायरेक्टली भी उसमें जा सकते हो। फेसबुक पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, और इंस्टा पेज को भी लाइक करना है, फॉलो करना है। और इंस्टा में जितना मेरा पिक्चर्स है उसमें कोई भी आप पिक्चर पे जाओ और उसमें फ्रेंड्स को टैग करो। तो फ्रेंड्स को कैसे टैग करना है मैं दिखाती हूँ आपको। लाइक ये देखो मेरा ये इंस्टा पेज है, जस्ट लाइक आप कोई भी पिक्चर पे आप जाओ और इसमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाओ, उसमें आप पहले @ सिंबल दो, देन आप कोई भी फ्रेंड, अपना जो फ्रेंड है उस फ्रेंड का आईडी या नाम दे दो। लाइक इसमें ग्लैमिक में दिया था तो मेरा चैनल का 2 आ रहा है, देखो। हाँ, तो जो है उसको बस पोस्ट करना है। हाँ, बस इसमें पोस्ट करना है। आप जितना ज्यादा फ्रेंड को टैग करोगे आपको गिफ्ट जीतने का मौका उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मैं एक लॉटरी करूंगी और ये जो ऑफर है आपको
20 अप्रैल तक एप्लीकेबल है। 20 अप्रैल के अंदर आप जितना ज़्यादा फ्रेंड को टैग करोगे और मेरे पेज को लाइक करोगे, उनको एक बहुत अच्छा स्पेशल गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगी। बाय बाय। जो सिलेक्ट होगा हम लोग डायरेक्टली उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका एड्रेस जो है हम लोग पूछ लेंगे और आपका घर पे हम लोग भेज देंगे। बाय बाय।